हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया, आप सभी का स्वागत है एनडी किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सोया कबाब रेसिपी। ये बाकी कबाब जितना ही टेस्टी होता है, अगर आप अभी तक इसको नहीं ट्राई किए हो तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट पे मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू किया जाए। क्योंकि आज हम बना रहे हैं सोया कबाब, तो सोया कबाब बनाने के लिए जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है सोयाबीन। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट सोयाबीन लिया है और इसको मैं अभी गर्मा गर्म खौलते हुए पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक के भीगने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें जो है पानी बहुत अच्छे से जा पाए और ये बहुत अच्छे से फूल पाए। तो जब तक ये फूल रहा है तब तक मैं दूसरे साइड में मसाले प्रिपेयर करूंगी। और मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन एंड प्याज। तो सभी को जो है मैं रैंडमली काट रही हूँ। मेरा जो हर एक रेसिपी होता है, मेरा यही कोशिश रहता है कि बहुत आसानी से आप अपने घर पर इसको कैसे बना सकते हो और साथ ही साथ जो है इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आए। तो ये रेसिपी भी मेरा कुछ उसी तरीके का है। मैं आप सभी के साथ आज भी कुछ इस तरीके का ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत आसानी से बन जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। तो मैं ग्राइंडर में जो है सारे मसाले को मैं डाल दूंगी यहाँ पे। तो देख ही सकते हो आप लोग, 10 से 15 मिनट भीगने के बाद सोयाबीन जो है बहुत अच्छे से फूल गया है और ये बिल्कुल रेडी है इसको बनाने के लिए। सो सोयाबीन में जो पानी था वो मैं निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो उसको मैं बहुत अच्छे से स्क्वीज कर लूँगी और ऐसे निचोड़ लूँगी, फिर मैं ग्राइंडर में इसको डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो सोयाबीन है आप ऐसे निचोड़ के मिक्सर में डालिए, लेकिन एक ही बार में सारा मत डालिएगा। सोयाबीन को जो है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, फिर इसका जो है बहुत अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए। तो देख ही सकते हैं कुछ कीमा जैसा दिखने में होगा ये। और अभी मैं इसमें और कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे शाही गरम मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि कबाब का जो फ्लेवर है, जो कबाब का जो रियल टेस्ट होता है वो यहाँ पे आ पाए। और उसके साथ में यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है ताकि कलर बहुत अच्छा आए। और यहाँ पे मैं लगभग 4 टेबलस्पून के करीब मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी के लिए, फिर से ये लगेगा तो फिर मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो कि आपके पास अगर ये सब ना हो तो आप सिंपल बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो हाथ के मदद से मैं बहुत अच्छे से इसको बाइंड कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं अभी थोड़ा सा जो है गुलाब जल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मुझे बाद में लगे कि थोड़ा सा मैदे का ज़रूरत है तो मैं डालूंगी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से अब रेडी हो चुका है। तो दूसरे साइड में मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है। तो तेल जब तक मेरा गर्म हो रहा है मैं कबाब को यहाँ पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पेंसिल लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये पेंसिल है, बच्चे का लिखने का जो है पेंसिल होता है वो। और क्योंकि अगर आपके पास ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसके पास जो है कबाब स्टिक नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आप मैं कैसे इसको बनाया है। आपको बनाने के साथ ही साथ तुरंत इसको तेल में जो है डालना पड़ेगा, फ्राई कर लेना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको मत पकाइएगा, मीडियम फ्लेम में ही आपको इसको पकाना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है ये रेसिपी। तो आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा, मैं मिलती हूँ आप सबके साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।